हाय हेलन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द फास्ट एपीआई लेसन नंबर 30। तो आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं मोड कार्ड के अंदर आवर कंट्रीब्यूटर सेक्शन, जहाँ पे बेसिकली हम लोग कुछ कंपनीज का लोगो लगाएंगे एंड बेसिकली उसमें हम लोग ये शो करेंगे कि हम लोग का वेबसाइट पे कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना जो प्रोजेक्ट है वो वीएस कोड में ओपन करूँगा पहले। तो इसको मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड में, फास्ट एपीआई प्रोजेक्ट कार वेबसाइट, एंड इसको मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड में। तो राइट क्लिक करूँगा, सो मोर ऑप्शन करूँगा एंड ओपन विद कोड करके सिंपली इसको ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पे मेरा ये वीएस कोड के अंदर ओपन हो गया है। मैं सिंपली अपना टर्मिनल ओपन करूँगा, टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले क्लियर, उसके बाद मैं लिखूँगा फास्ट एपीआई डेव मेन डॉट पाई एंड सिंपली मैं इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 8000 पोर्ट पे रन कर चुका है। मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी तक हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पे आवर कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन लगाना है। अगर मैं आपको अपना स्क्रिप्ट दिखाऊँ, अपना स्टाइल दिखाऊँ, तो /static/style.css पे मेरा जो यहाँ पे स्टाइल है वो अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और डिव बनाऊँगा फॉर आवर कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा दिस इज आवर कॉन्ट्रीब्यूटर सेक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं डिव डॉट कॉन सिंपली यहाँ पे ये लिखता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके जो स्टाइल और चीजें को मैं कुछ इधर ओपन करूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा डॉट कंट्रोल वी एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मेरा डॉट कंट्रीब्यूशन सेक्शन है उसका हाइट कुछ मान लो मैं 60 bh रखता हूँ, वेट जो होगा वो 100 bh ही होगा, सॉरी 100% ही होगा। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है अभी के लिए मैं देता हूँ कुछ ब्लू वाले। ठीक है, एंड देन रन करता हूँ भाई, नहीं आया। एक बार फिर से अपने फास्ट रिपे का प्रोजेक्ट रन करते हैं। फिर से अपने स्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो ये वाला और कंट्रीब्यूटर सेक्शन जो है वो यहाँ पे मेरे को बैकग्राउंड देखने को मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली ये वाला सेक्शन है इसके अंदर मैं दो दो चीज़ें रखूँगा। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊँगा, डिव डॉट लिखूंगा, डिव डॉट जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूटर सेक्शन है उसका हेडिंग होगा ये। ठीक है, इसके अंदर एक H1 होगा जहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करूँगा और डॉट कंट्रोल प्लस वी करके लिखो जो आवर कॉन्ट्रीब्यूटर सेक्शन है उसका हाइट होगा 20 bh एंड विड्थ होगा 100%, डिस्प्ले डिस्प्ले जो होगा वो हमारा फ्लैक्स होगा एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए अगर कॉन्ट्रीब्यूटर सेक्शन क्या है, बिल्कुल ही सेंटर में आ गया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला जो है ना इसको कॉपी करना है कहीं से भी, ये मतलब इसका स्टाइल जो है मैं सिंपली सेम टू सेम स्टाइल इसमें रखूंगा। तो अब मैंने कहूँगा डॉट कॉन्फ हेडिंग जो है कंट्रीब्यूटर का जो हेडिंग है उसमें उसके अंदर का एक H1 है उसको सिंपली मैं कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद उसका जो हेडिंग है मैं कुछ यहाँ से ये नहीं ये वाला उठाऊंगा। ठीक है, और सिंपली मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और ये जो मैंने हेडिंग वाला बैकग्राउंड बनाया इसमें एक बैकग्राउंड में दूंगा
बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं ये, ठीक है रिलोड करता हूँ। मुझे कुछ यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है जो कि अभी तक सही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका सेक्शन को बनाना है, तो मैंने जिसको 60 किया है उसको हटा के मैं 70 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसका अगला वाला जो मैं इस सेक्शन बनाऊँगा, तो अगला सेक्शन मेरा क्या होगा, डिप डॉट जो कॉन्ट्रीब्यूटर है उसका लोगो मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा इसके क्लास को, एंड कॉपी करने के बाद डॉट कंट्रोल प्लस वी करने के बाद मैं सिंपली इसमें जो मेरा यहाँ पे इसका हाइट होगा वो मैं कितना कर दूंगा, इसका हाइट मैं कर दूंगा, इसका हाइट मुझे चाहिए 50 BH, क्योंकि 70 माइनस 20 मेरा 50 होता है, तो मैं इसमें 50 लिख दूंगा। एंड विड्थ जो होगा मेरा 100% ही होगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा जैसे कि पौड़ाली चाहिए। रिलोड डन, वो इतना आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले ये जो लोगो वाला है इस पे डिस्प्ले लगा देना है फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नॉट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ इमेजेस यहाँ पे मैं लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इमेजेस ले आता हूँ, तो मैंने कुछ इमेजेस कर रखे हैं डाउनलोड, वो कहाँ है, वो इमेजेस के अंदर कार्स वाले के अंदर यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, इसको मैं करूँगा कॉपी एंड स्टैटिक के अंदर पेस्ट करूँगा। तो लोगो लोगो अंडरस्कोर ऐसे के मैंने कुछ दे रखा है, एंड उसमें फिर मैंने यहाँ पे GIF फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे इतना कुछ बस ध्यान रखना है। एंड देन मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक इमेज, 5 इमेज, ठीक है। SRC होगा स्लैश स्टैटिक स्टैटिक स्लैश लोगो अंडरस्कोर 1.GIF, अल्ट मेरा होगा नो इमेजेस, एंड देन यहाँ से नीचे करना है भाई SRC स्लैश स्टैटिक स्लैश लोगो अंडरस्कोर 2.GIF, एंड अल्ट मेरा क्या होगा नो इमेजेस, उसको फिर यहाँ से मैं सिंपली नीचे करूँगा। एक काम करते हैं, एक और स्पेस देते रहते हैं, ये पता तो चल जाए कि हाँ 3 हो जाए। एंड देन यहाँ पे स्लैश स्टैटिक स्लैश यहाँ पे मुझे रखना है लोगो 3.GIF, एंड यहाँ पे नो इमेजेस, ठीक है। देन यहाँ पे ये जो है इसमें रखना है मुझे स्लैश स्टैटिक स्लैश लोगो 4.GIF, एड मेरा होगा नो इमेजेस, देन यहाँ पे ऐसा चीज के अंदर मैं लिखूंगा स्लैश स्टैटिक स्लैश लोगो अंडरस्कोर 5.GIF, एंड एड होगा मेरा नो इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे इतना काफी है, 5 लोगों मैं यहाँ पे रखूंगा। अभी मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो मेरा यहाँ पे लोगो जो है वो कुछ इस तरीके से आ गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इंडिविजुअल लोगों को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो मैं कहूँगा देखो भाई, जो मेरा डॉट कॉन अंडरस्कोर लोगो है, ठीक है, उसके अंदर है एक इमेज टैग, उसको बोलो सिलेक्ट, एंड देन उसका जो हाइट होगा वो होगा 40 BH। देखते हैं 40 BH कैसा लगता है, लोड बहुत बड़ा, मतलब 40 BH नहीं होगा, 30 BH करते हैं रिलोड, 30 BH भी बड़ा है, 20 BH, 20 BH इतना सही है, इतना रखेंगे।
20 BH सही है, एंड देन विड्थ जो होगा वो भी कुछ इतना ही 20 BH होगा। हाइट विड्थ करने के बाद कुछ इतना आ गया है, 20 फोन भी देखते हैं। ओके इतना सही है। हर एक इमेज में होगा मार्जिन ऑफ 30 पिक्सल, थोड़े थोड़े दूरी बनाएगा, मार्जिन ऑफ 30 पिक्सल। हर एक इमेज में होगा बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर भी आ गया है, एंड बॉर्डर रेडियस होगा 50% का रिलो, कुछ इस तरीके से हो गया है। अब क्या करना है, जितना भी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया है हटाना है उसको। ये हटा दिया, चलो फिर ये ग्रीन वाला हटाना है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हट गया, ये भी हट गया। और अब जो वॉयलेट वाला बैकग्राउंड कलर है, ब्लू वॉयलेट, उसको कर देना है ब्लैक, ठीक है। रिलोड, देन आवर कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन भी यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके से बन के तैयार है। अब क्या करना है, मैंने जो यहाँ पे इसको ब्लैक करा है इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देना है। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और फिर क्या करना है कि जब इस पे कोई होवर करे डॉट कॉन अंडरस्कोर लोगो, मैं जो इमेज टैग है इसको कोई होवर करता है तो ये जो बॉर्डर है ये और कोई नहीं तो व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं। ओके इट वॉज वर्किंग, जैसा आप देख सकते हो ये भी काम कर रहा है, उसके साथ ये भी काम कर रहा है। अगर आउटलाइन भी मुझे अगर यहाँ पे चाहिए तो वो भी हम लोग दे सकते हैं, बट इतना सही है यार। तो यहाँ पे आवर कॉन्ट्रीब्यूटर सेक्शन भी होता है बनके तैयार। ठीक है, तो आज का वीडियो होता है यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। जो फारसी भाई का कोर्स है उसको फॉलो कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।